एक तरफ हारा है पाकिस्तान तो दूसरी तरफ एक नहीं बल्कि दो दो बार जीता है हिंदुस्तान। बीते कुछ घंटों में किस तरह से गए हैं भारत और पाकिस्तान के मुकाबले वो बताएंगे आपको इस वीडियो में। अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। जहां पाकिस्तान को काफी शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा है वो भी वर्ल्ड कप के मुकाबले से महज 12 दिन पहले। क्रिकेट इन इंडिया के चैनल पर हैं आप, मैं हूं आपके साथ लक्षित। जहां हम देख रहे हैं भारत पाकिस्तान का मुकाबला दो हफ्ते से कम के समय के भीतर रह गया है और दोनों टीमों की तैयारियां जाए समय अव्वल दर्जे पे होनी चाहिए, तो पाकिस्तान की टीम की जो दिक्कतें काफी लंबे अरसे से, यूं तो बात की जाए एशिया कप से चलती आ रही हैं, वो हमें एक मरतबा फिर से कंटिन्यू होती हुई दिखी हैं, जबकि भारतीय क्रिकेट टीम की दिक्कतें सॉल्व होती जा रही हैं। पहले आपको बता दें इन दोनों टीमों ने कहां का पिछले बीते घंटों में मुकाबले खेले जहां भारत को डबल जीत मिली। पाकिस्तान आपको बता दिया जाए खेला था आज सुबह पाकिस्तान ने मुकाबला न्यूजीलैंड के सामने, जहां सिर्फ 130 रन बना पाया पाकिस्तान पहले 20 ओवर्स में। वही दिक्कत पाकिस्तान की एक मरतबा फिर से सामने आई जहां पर बाबर आजम मोहम्मद रिजवान का विकेट आ गया, मिडल ऑर्डर पूरी तरह से फ्लॉप होता है और पाकिस्तान 130 के निजी स्कोर पर सीमित रह गया, जिसके जवाब में न्यूजीलैंड ने सिर्फ 16.1 ओवर में फिन एलन और डेवन कॉनवॉय की बेहतरीन बल्लेबाजी के चलते उस मुकाबले को 9 विकेट से जीत लिया। तो भारत को एक नहीं बल्कि डबल जीत मिली। जहां पहले भारतीय क्रिकेट टीम ने वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया 11 को हराया प्रैक्टिस मुकाबले में, वो जीत भारत को मिली 13 रनों से, तो दूसरी तरफ से शिखर धवन की कप्तानी में जो भारत की सेकंड स्ट्रिंग टीम खेल रही थी साउथ अफ्रीका के सामने ओडीआई मुकाबला, उसको भी अपने नाम पर बहुत आसानी से कर लिया। जहां गेंदबाजों का जलवा देखने को मिला, 99 पे ऑल आउट कर दिया साउथ अफ्रीका को और उसके बाद बहुत आसानी से रन चेज हो गई भारत के लिए सफल। लेकिन यही देखने वाली बात, पाकिस्तान को हार मिल रही है न्यूजीलैंड के सामने और भारत को जहां मिली है दुगनी जीत, तो भारतीय क्रिकेट टीम की जो दिक्कतें थी वो हमें थोड़ी बहुत सॉल्व होती हुई नजर आ रही हैं। हमने देखा था भुवनेश्वर कुमार अच्छी फॉर्म में नहीं थे और वही भुवनेश्वर कुमार ने काफी बेहतरीन बॉलिंग की है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया 11 के सामने, जहां उन्होंने अपने 4 ओवर में सिर्फ 25 रन दिए और 2 विकेटें अपने नाम पर की। जहां दूसरी तरफ से हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, उनकी वही दिक्कत अभी भी कंटिन्यू चल रही है, जहां पे भला वो गेंदबाजी में ना विकेट लेने की क्षमता हो और खासकर मिडल ऑर्डर का फ्लॉप जाना हो। एक मरतबा फिर से पाकिस्तान का मिडल ऑर्डर पूरी तरह से फ्लॉप हुआ है, जिसके चलते उन्हें मिली है न्यूजीलैंड के सामने एक करारी और काफी बड़ी हार। लेकिन क्या लगता है आपको, 23 अक्टूबर को भारत पाकिस्तान का मुकाबला कौन जीत रहा है? हालांकि शाहीन अफरीदी वापसी करने वाले हैं, ये पाकिस्तान के लिए एक प्लस पॉइंट होने वाला है, लेकिन क्या पाकिस्तान का मिडल ऑर्डर कुछ बेहतरीन कार्य कर पाएगा? ऑस्ट्रेलियन पिचेस, खासकर मेलबर्न का मैदान जहां पर विराट कोहली का दबदबा और उनकी बादशाहत काफी बेहतरीन है, क्योंकि कोहली का एवरेज T20 इंटरनेशनल्स में 90 का है मेलबर्न के मैदान पर, उसके ऊपर रहेंगी हमारी नजरें। क्या लगता है आपको, 23 अक्टूबर को इंडिया जीत रहा है या पाकिस्तान? क्या है आपकी इसके ऊपर टिप्पणी और राय, बताइए हमें कमेंट सेक्शन में और साथ ही में सब्सक्राइब कर दीजिए हमें यूट्यूब पे, फॉलो कर लीजिए फेसबुक पे, जानने के लिए क्रिकेट से जुड़ा हर एक लेटेस्ट अपडेट वो भी सबसे पहले।